हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 21 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन दी नोट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में जो रिसेंटली उन्होंने इशू किया है उसमें 100 रुपीज के नए नोट की डिजाइन पोस्ट की है, तो क्वेश्चन ये है कि इसका मोटिव क्या है। मीन्स आरबीआई इन इट्स नोटिफिकेशन इशूड न्यू ₹100 नोट, इट हैज अ मोटिव ऑफ। तो इसका मोटिव है ऑप्शन ए, दैट इज राने की वाव। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोटिव क्या कहलाता है। मोटिव मतलब होता है कि एक डेकोरेटिव इमेज या किसी भी एक डिजाइन को कहा जाता है। ओके, तो जो ₹100 का जो नया नोट है जारी किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मींस आरबीआई के द्वारा जो जारी किया गया है, उसकी जो मोटिव है वो कहलाती है रानी की वाव। अब हम इसके बारे में इमेज देख लेते हैं ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो आप ये देख सकते हैं इसके बारे में, ये इमेज है आपकी। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या एसोसिएट होता है इससे। ये इंडिया का पहला पूर्णतः स्वदेशी नोट है, मतलब ये पूर्णतः इंडिया में बना हुआ नोट है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आपसे कलर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका कलर है लेवेंडर। ओके, और ये जो मोटिफ है जैसा मैंने आपको बताया, ये है रानी की वाफ, जो कि सिचुएटेड है गुजरात में। अब रानी की वाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं द क्वींस स्टेप वेल। ओके, TQS, द क्वींस स्टेप वेल के नाम से इसको जाना जाता है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, मींस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूडेड है। और इसको अगर आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया, तो ये है 2014। ये ईयर याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ₹10 का जो नोट है उसका मोटिव क्या है। ओके, मतलब उसकी जो डिजाइन है वो क्या कहलाती है। तो ₹10 का जो नोट है उसका जो डिजाइन है वो कहलाता है ऑप्शन डी, दैट इज सन टेम्पल कोणार्क। ओके, अब हम इसके बारे में इमेज देख लेते हैं। ये है ₹10 का नोट, आप देख सकते हैं इसका जो मोटिव है वो कहलाता है जो सन टेम्पल है कोणार्क। ओके, तो आप इसका कलर देख सकते हैं, कलर इसमें बताया गया है चॉकलेट ब्राउन, और इसका मोटिफ है सन टेम्पल, इट इज इन कोणार्क। अब कोणार्क कहाँ पे है, तो ये सिचुएटेड है ओडिशा में। ओके, और ये जो सन टेम्पल है इसको दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा। ये भी एग्जाम में आपसे कई बार पूछा गया है, ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है सन टेम्पल कोणार्क को। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट एसोसिएट होता है कि ये सन टेम्पल बनवाया किसने था, तो ये है नरसिम्हदेव 1। ओके, नरसिम्हदेव 1 ने इसको बनवाया था, और जो कि बिलोंग करते थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को। ओके, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे नरसिम्हदेव 1, और जिन्होंने सन टेम्पल का निर्माण करवाया था, इसको ब्लैक पैगोडा नाम से जाना जाता है, और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये जो हमारा सन टेम्पल है इसको कब शामिल किया गया था, तो ये ईयर याद रखिएगा, इट इज 1984 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कोणार्क का सन टेम्पल को ऐड किया गया था। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ₹50 का जो नोट है उसका मोटिव क्या है। ओके, तो ये है हम्पी चैरियट, ऑप्शन बी, हम्पी चैरियट इज द मोटिव ऑफ ₹50 नोट। अब बात करते हैं इसकी फैक्ट की, तो आप ये देख सकते हैं इमेज, ये है हम्पी चैरियट। ओके, इसका जो कलर है जो नोट का वो है फ्लोरेसेंट ब्लू, और मोटिफ आप देख सकते हैं ये है हम्पी चैरियट, जो कि सिचुएटेड है कर्नाटका में। अब ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे एसोसिएट ये होता है कि जो हम्पी है ये लास्ट कैपिटल है विजयनगर किंगडम की। ओके, लास्ट कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम। और इससे रिलेटेड आपसे यूनेस्को का फैक्ट पूछा जा सकता है कि ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है, तो इसको यूनेस्को में शामिल कब किया गया था, तो हम्पी को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1986 को। ओके, याद रखिएगा 1986 को। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कर्नाटका में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, तो कर्नाटका के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो डेप्यूटी सीएम जो कर्नाटका के इलेक्ट हुए हैं मीन्स वो कौन है। तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मीन्स आपको कमेंट करना है कि कर्नाटका के प्रेजेंट गवर्नर कौन है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है। ओके, अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ₹200 के नोट का मोटिव क्या है। ओके, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज सांची स्तूपा। याद रखिएगा, सांची स्तूपा इज द मोटिव ऑफ ₹200। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये है सांची स्तूपा। इसका कलर जो है मीन्स ये जो नोट का कलर है ये है ब्राइट येलो, मोटिव सांची स्तूपा विच इज इन MP। अब
एमपी में आपसे लोकेशन स्पेसिफिक पूछी जा सकती है इसकी, क्योंकि जनरली एग्जाम में पूछी जाती है कि सांची स्तूपा कहाँ पे है, तो आप ये देख सकते हैं मैप और ये आप देख सकते हैं रायसेन, तो रायसेन में सिचुएटेड है सांची स्तूपा। ओके, अब इससे रिगार्डिंग एक और फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सांची स्तूपा एक तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट तो है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोका दी ग्रेट ने। ओके, अशोका ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सांची को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? तो ये ईयर भी याद रखिएगा, इट इज 1989। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि एमपी में जो टोटल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो टोटल 3 है, तो पहली तो एक ये हो गई सांची स्तूपा जिसको शामिल किया गया था 1989 में, बाकी की दो जो बची हैं वो कौन सी हैं और उनको कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था? यदि आपको इसका भी आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 500 रुपए का जो नोट है उसका मोटिव क्या है? याद रखिएगा 500 रुपए का नोट का मोटिव, तो ये है हमारा ऑप्शन डी, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट है 500 रुपए के नोट का मोटिव। तो आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है 500 रुपीज का नोट और इसका कलर है स्टोन ग्रे, ये आप देख सकते हैं, ये है रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट इसका मोटिव है जो कि सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। इसका निर्माण किसने कराया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये है शाहजहां। ओके, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज इसके साथ एसोसिएट ये भी होती है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रेड फोर्ट को कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था इसको 2007 में, ये साल याद रखिएगा, 2007 को रेड फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो करंट अफेयर की अगर बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज एसोसिएट होती है रेड फोर्ट से, वो ये है कि जो डालमिया ग्रुप है, याद रखिएगा डालमिया ग्रुप ने रिसेंटली जो रेड फोर्ट है उसको अडॉप्ट किया है एज अ अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत। ओके, और ये 5 साल के लिए किया गया है और ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस कंपनी ने रेड फोर्ट को एक्वायर किया है अभी, तो ये है डालमिया ग्रुप, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स लुक इनटू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो 2000 रुपए का नोट है उसका मोटिव क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज इसलिए क्योंकि मंगलयान जो है वो है मोटिव 2000 रुपए के नोट का। आप ये देख सकते हैं इमेज, मार्स ऑर्बिटर मिशन की है फोटो, और अगर आपसे नोट का कलर पूछा जाए तो कलर है मैजेंटा, मोटिव है मंगलयान। अब मंगलयान की बात हुई है तो मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात कर लेते हैं। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, इट इज 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मींस मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है, और ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, इसरो। अब इसरो की अगर बात आई है तो इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है के सिवान। ओके, के सिवान इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इसरो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया हो। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज प्रीवियस प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं और अगर आप टेलीग्राम चैनल फर्दर अपडेट्स लिंक्स पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक के तहत आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है t.me/aditya-dubey-mppsc, या आप उससे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mppsc, या आप मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर में लिंक है twitter.com/cyberaditya। सो आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक, बाय बाय।